फ्रेंड्स, फिर से इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो एक वीडियो है न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, तो उसमें जब मैंने कमाए 600 रुपीज़ और तो उसमें किस तरीके से मैंने कमाए और कौन सा गेम खेल के अब इधर मैंने कमाए है, तो एप्लीकेशन का नाम है रमी ब्लास्ट करके है। तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट रमी, डील रमी, पूल रमी। तो दो तीन तरीके से इधर गेम क्लियर करके आप मनी अर्न कर सकते हो। जैसे पॉइंट रमी तो आपको खेलने तो आता ही होगा, जैसे दूसरी वाली बात आती है डील रमी, डील रमी भी आपको खेलना आता ही होगा, पूल रमी भी खेलना आपको आता ही होगा। तो उसमें आप किस तरीके से गेम प्ले करके आप मनी अर्न कर सकते हो और साथ ही साथ विड्रॉ लगा सकते हो। तो विड्रॉल भी आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे और चैनल में जो पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको अकाउंट किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का है, तो जैसे मैंने अकाउंट रजिस्ट्रेशन पहले से करके रख दिया, जैसे अपने को ज्वाइन ना वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ज्वाइन ना वाले पर आपको बोलेगा फ़ोन नंबर, पासवर्ड और OTP रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो मैं अपना ID लॉगिन कर, मेरा मैंने ID वापस बैकअप ले लिए है। तो जैसे सिंपली सी उसमें आप किस तरीके से गेम प्ले करके मनी अर्न कर सकते हो और विड्रॉ लगा सकते हो। तो इधर पहले वाली बात करते हैं, तो डील रमी में आप किस तरीके से गेम प्ले करके मनी अर्न कर सकते हो। तो जैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा डील 2, मतलब बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3, इधर बेस्ट ऑफ 6। तो सिंपली से आपको बेस्ट ऑफ 2 वाला प्ले करके दिखा देता हूँ, 25 रुपीज़ वाला तो देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैंने आपको लगा के दिखा दिया बेस्ट ऑफ 2 डील 2। ये एक ही गेम प्ले है बेस्ट ऑफ 2 डील 2। तो जैसे ही आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, बाद में अपना गेम प्ले हो तो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने को इधर देखने के लिए मिल जाएगा, तो अपने को इधर क्या करेंगे, शॉट वाला सेक्शन आपको देखने मिला, ऑटो शॉट, ये ऑटो शॉट मैंने कर लिए है। जैसे आपको खाली पत्ता क्लिक करने का है, दूसरा कुछ करने का नहीं है। तो जैसे आपको ऑटोमेटिक इधर सीक्वेंस रेडी होता रहेगा और शो भी आपका ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो एक नंबर आया, जैसे पत्ता फेंकने का डाइस कार्ड, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटो शॉट वालों भी आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप अपने मर्जी से ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैंने ग्रुप बना लिया, देखो 5-6 नंबर दे दिया, देखो 5 नंबर आ गए। तो ये देखो उसने शो लगा के दिखा दिया है, तो मतलब ये विन हो चुका है। तो इधर अपने को स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट 160 पॉइंट। दो राउंड में आपको ज़्यादा पॉइंट बनाने का है तभी आप इधर विन होते हो डील 2 में, बेस्ट ऑफ 2 में। तो ये आपको बेस्ट ऑफ 6 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको खेलने गए 2 राउंड में और 3 राउंड में और 6 राउंड में आपको ज़्यादा पॉइंट बनाने गए, तभी आप वो बेस्ट ऑफ 2 में गेम प्ले करके मनी अर्न कर सकते हो और विन हो सकते हो। तो अभी आपको देखने मिल जाएगा मेरा पॉइंट देखने के लिए बचा है खाली 89 पॉइंट बचा है, मेरा 71 पॉइंट निकल चुका है उसके पास, उसका पॉइंट देखो कितना बढ़ गया है। तो इसी तरीके से इधर आपको गेम प्ले करने का है बेस्ट ऑफ 2। तो ये देखो वापस उसने शो लगा दिया है, तो मतलब ये बंदा विन हो चुका है। तो इधर वापस मेरा 72 पॉइंट निकल चुका है, उसका स्कोर देखो 303 हो गए हैं। तो इसी तरीके से इधर मैं 25 रुपीज़ का लॉस्ट हो गया। और दूसरे वाले गेम प्ले की बात करते हैं तो पॉइंट रमी, तो इधर आप पॉइंट रमी किस तरीके से प्ले कर सकते हो, तो वो भी आपको एक सिंपली से प्ले करके दिखा देता हूँ, 2 प्लेयर वाला। तो ये रहा अपना गेम प्ले, तो स्टार्ट हो चुका है। तो ऑटो शॉट वाले पे आपको पहले ही कर लेने का है, जैसे मैंने ऑटो शॉट वाले पे कर लिए है। ये देखो 6 नंबर व्यापार जोकर आ गए, ऑटो शॉट हो रहा है। तो मेरा आपको नीचे पीवर सिक्वेंस करके देखने के लिए मिल जाएगा, खाली एक ही मेरा इनवेलिड है, तो वो भी आपको शो करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखो ऑटो शॉट करके मेरा 3 सीक्वेंस रेडी हो चुका है। तो जैसे मैं 3 नंबर वाइड डाइस कर करके दिखा देता हूँ, एक ही सीक्वेंस मेरा इनवेलिड है। आपको इसी तरीके से पॉइंट रमी खेलने का एक सीक्वेंस आपका रेडी होना चाहिए और बाकी का सीक्वेंस आप रेडी कर सकते हो जोकर से। तो ये देखो 5 नंबर दे दिए है। तो ये देखो 1 नंबर आ गया, तो डायरेक्टली मेरा एक पत्ता शॉट करके साइड में निकल चुका है 6 नंबर। तो जैसे 6 नंबर वाले पे फिनिश, तो इसी तरीके से इधर आपको सीक्वेंस पूरा आपको दिखा मैंने कैसे सीक्वेंस रेडी किया है और कितना जोकर किस में डाला है। तो इसी तरीके से इधर आपको पॉइंट रमी, तो ये देखो 2 पॉइंट दे दिया उसने। तो इसी तरीके से इधर आपको पॉइंट रमी खेलने का जैसे मैंने खेला था वैसे। तो इधर आपको दूसरा तीसरा वाला गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगा पूल रमी, तो इधर पूल रमी खेल के भी आप मनी अर्न कर सकते हो। तो इधर पूल रमी कैसे खेलने का, जैसे 101 पूल टेबल पर 2 प्लेयर और या 6 प्लेयर वाला भी आप खेल सकते हो। तो 101 पूल का मतलब होता है 100 पॉइंट, 100 तक आप लास्ट खेल सकते हो, और 201 का मतलब होता है 200 पॉइंट, 200 तक आप लास्ट खेल सकते हो। इसी तरीके से इधर आपको पूल खेलने गए। और इधर मैन वाली बात आती है विड्रॉल की, तो इधर आप विड्रॉल किस तरीके से लगा सकते हो। तो जैसे मैं विड्रॉल सेक्शन ऊपर आपको ग्रीन कलर के देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये रहा विड्रॉल, तो ये रहा विड्रॉल। तो विनिंग कैश की बात करते तो मेरे पास 500 रुपीज़ विनिंग कैश है, तो सिंपली सी वो भी आपको विड्रॉल का देखा देता हूँ। मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो बैंक अकाउंट मैंने पैसे डाल के रख दिए है, जैसे 500 का मैं विड्रॉल लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा विड्रॉल, डायरेक्टली मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में ट्रांसफर कम्प्लीट, तो अभी आपको उसका रिकॉर्ड विड्रॉल हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहा, तो ये देखो इधर मैंने काफ़ी तरीके से विड्रॉल भी लगाया है 260 का, काफ़ी तरीके से मेरे बैंक में विड्रॉल लगाए है। ये लाइव ट्रस्टेड अर्निंग एप्लीकेशन, तो ये देखो इंडियन बैंक की तरफ से तुरंत मेरे को इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है
500 का। तो इसी तरीके से इधर आप गेम खेल के आप मनी अर्न कर सकते हो और विड्रॉल लगा सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल में जो नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।